एमपी विधानसभा में मॉनसून सत्र शुरू होने को है, जहां इससे पहले अब सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस दलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है और टुकड़ों में बटी हुई है। हर गुट का सरदार, अपने अपने कबीले का सरदार अपनी अपनी बात कर रहा है और कई लोगों के बयान आ रहे हैं कि विधानसभा में हंगामा करें। विधानसभा जो है जनता की गाड़ी कमाई से चलता है और मुझे लगता है कि वह एक प्लेटफॉर्म है जो जनहित के कार्यों को, सोशल जस्टिस के कार्यों को अमली जामा पहनाने का काम और चर्चा के विषय से वो सब चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पर कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। तो हंगामा तो वो हर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं। जब उनको मीडिया में स्पेस मिलती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं, जब सदन में बात रखने की बात आती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं और ये अपनी अपनी बात करते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि सदन गाड़ी, जनता की गाड़ी कमाई से चलता है, उसको हंगामे की भेंट न चढ़ाएं कांग्रेस के नेता। देखिए, हम तो हमेशा से ही इस बात को कहते आए हैं, अगर कांग्रेस के पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है तो वो जनता के बीच आना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए। मुंह की जमा खर्ची करने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का काम करती है। रही बात आप नर्सिंग की जो बात कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जब 2018 में जब कमलनाथ की सरकार थी तो इनके ही द्वारा 450 कुछ कॉलेजों की परमिशन दी गई थी, जो हमारे सरकार में हमारे ही मंत्रियों ने उसको निरस्त करने का काम किया था। अगर 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 कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो वो उन लोगों पर होनी चाहिए, पर वो बचने से लिए इस तरह के आरोप और आलोचनाएं कर रहे हैं। इनको आरोप और आलोचना से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं। नहीं, इसमें षड्यंत्र की क्या बात है? वो उनका अधिकार है कि जो आपकी नाकामी है, जो आपका नकारापन है, जो आपकी असफलता है, उसको उस पर हम सवाल उठाएं। आज मोहन सरकार को जो है 6 महीने बीतने के हो गए हैं, क्या हुआ है मध्य प्रदेश में? ये सवाल तो विधानसभा में पूछा जाएगा ना। आदिवासियों पर इतना अत्याचार हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं की अस्मिता और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और ये मौन सरकार मौन है। किसान को जो है आपने वादा किया था कि हम जो है 1700 रुपए गेहूं का MSP देंगे और 3000 रुपए धान पर देंगे, वो आज तक नहीं दिया है, वो वादा खिलाफी की है। आपने महिलाओं से कहा था कि हम आपको जो 3000 रुपए देंगे, तो 3000 आज तक नहीं दिया है। तो ये सब बहुत सारी नाकामियां हैं ना। पूरी सुरक्षा व्यवस्था इस मध्य प्रदेश की जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। सारे लोग जो है वो केवल और केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं। दलालों का पूरा सचिवालय के अंदर राज हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि हेमंत कटारे ने पत्र में वो नाम तक के लिख के दिए हैं। ये लोग हैं जो दलाली का अड्डा खोल के बैठे हुए हैं। इन सब बातों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। कब तक आप जनता को लूटोगे? कब तक आप कर्जा लेके घी पियोगे? कब तक कर्जा लेके जो है वो आप जो है अपने लिए लाखों रुपए की गाड़ियां खरीदोगे, करोड़ों रुपए आप अपने बंगलों में लगाओगे? ये कब तक चलेगा? जनता की आपको कोई सुध नहीं है, बेरोजगारी पर आप कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज 45 लाख हमारे युवा जो है वो मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आपके रोजगार कार्यालय का आंकड़ा है। 45 लाख इस मध्य प्रदेश का युवा जो है वो बेरोजगार है, भटक रहा है। आप जब परीक्षाएं करते हैं, चाहे वो पटवारी की परीक्षा हो, चाहे दूसरी और सारी परीक्षाएं हो, सब जगह आप घपले घोटाले करते हो, अपने लोगों को वहां पर सिलेक्शन करा देते हो। ये क्या हो रहा है इस मध्य प्रदेश के अंदर? नीट पर आपसे बात करो तो नीट पर आप बात करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में युवाओं का पूरा भविष्य जो है आप लोगों ने चौपट करके रख दिया है। पहले व्यापम के माध्यम से आपने पूरे देश के अंदर हमारी थूथू कराई और हमारे नौकरियों को बेचा और आज फिर आप वही काम पे लग पड़े हैं। तो इन सब बातों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। और अगर इन बातों को हम जवाब मांगते हैं तो ये षड्यंत्र नहीं है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमें विपक्ष की भूमिका जो है वो जनता ने दी है। हम आपसे सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे विधायक जो है विधानसभा के अंदर करेंगे।